नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड। जी हाँ भाई, दुबई आपको पता है वैसे भी हर चीज में, हर मामले में, कोई भी एक्टिविटी हो या फिर लेबर लॉ हो या फिर वीजा से रिलेटेड या फिर कुछ भी नया करना हो, उसमें यूएई आपको पता है भाई टॉप पे रहता है। आप सबको पता ही है, और खास तौर से हम दुबई की बात करें। जी हाँ, यूएई आपको पता है भाई टॉप में। तो आज हम बात करेंगे यूएई के रिलेटेड, गल्फ कंट्रीज के जितनी भी कंट्रियां हैं, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत वगैरह, इनकी फास्ट फूड रैंकिंग के बारे में। जी हाँ, यूएई ने अभी यहाँ पे अरब कंट्रीज में की बात करें तो सबसे टॉपर पे आया है यूएई। जी हाँ, मैं बता दूं, लगभग 199 यानी 199 के करीब अंतरराष्ट्रीय जो पासपोर्ट शामिल हुए थे इस संस्था में। नोवेट कैपिटलिस्ट एक संस्था है, उन्होंने 2021 में एक सर्वे किया है, सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट की सूची जारी की है। जी हाँ, उसमें बता दूं लगभग 200 अंतरराष्ट्रीय जो पासपोर्ट थे उनको शामिल किया गया था। इसमें नंबर वन की भी अगर बात करें तो भाई नंबर वन पे लग्जमबर्ग आया है। जी हाँ, अच्छा पासपोर्ट इसको रैंकिंग दी गई है, नंबर वन पे है। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड नंबर पे तो स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, इनके पासपोर्ट अच्छे माने गए हैं, सेकंड नंबर पे आए हैं। और यूएई की अगर बात करें तो भाई 38 नंबर पे रहा है। जी हाँ, यूएई 38 नंबर पे है। कुवैत की अगर बात करें तो कुवैत का पासपोर्ट 97 नंबर पे, यानी 97 नंबर पे कुवैत का पासपोर्ट आता है। कतर की अगर पासपोर्ट की बात करें तो 98 नंबर पे आता है, 98। जी हाँ, और उसमें अगर ओमान की बात करें तो 103 नंबर पे आता है। बहरीन का पासपोर्ट 105 नंबर पे आता है। जी हाँ, यहाँ पे गौर करने लायक बात है, सऊदी के पासपोर्ट को यहाँ पे जगह नहीं मिली है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। सऊदी का पासपोर्ट इनमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, तो उसका पासपोर्ट की यहाँ पे जगह नहीं दी गई है। कुवैत की अगर बात करें तो बता दूं, कुवैत के लोग अभी अगर ऑन अराइवल वीजा, बिना वीजा वगैरह, लगभग 96 कंट्रीज में वो बिना वीजा के जा सकते हैं। अगर इराक की बात करें तो भाई लगभग, मैं बता दूं, 100 में से मात्र 23 अंक मिले हैं उसको, और वो 28 देशों में अभी बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के वो यात्रा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यूएई की अगर बात करें तो भाई अरब कंट्रीज में जितने भी 6-7 कंट्रियां हैं, इसमें टॉप लिस्ट पे यूएई का पासपोर्ट माना गया है, अच्छा पासपोर्ट माना गया है। पासपोर्ट जिस देश का अच्छा होता है, उस देश को किसी भी देश में जाने के लिए बहुत अच्छी आसानी मिल जाती है। इमिग्रेशन सबसे बड़ा पॉइंट आता है, इमिग्रेशन। जी हाँ, इमिग्रेशन आसानी से उनका क्लियर हो जाता है, वीजा भी आसानी से मिल जाता है, एयरपोर्ट पे उनसे ज्यादा छानबीन नहीं की जाती है। उनको भी माइंड सेट होता है कि भाई ये बंदा हमारे देश में आया है तो ये सिर्फ जिस काम से आया वो काम करके वापस अपने देश लौट जाएगा, वहां पे इनलीगल नहीं रहेगा अपने देश में, या कोई इनलीगल एक्टिविटी नहीं करेगा वगैरह वगैरह, इस तरह की जो इमिग्रेशन इंक्वायरी हमेशा होती है, आप सबको पता ही है। तो भाई पासपोर्ट वी का अरब कंट्रीज में नंबर वन पे आ चुका है। जी हाँ, बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय